वो स्पीक कर सकते हैं राज्यसभा लोकसभा दोनों में बट वो वोट केवल राज्यसभा में ही डाल सकेंगे देन ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द हाउस जो होता है वो फर्स्ट सेशन स्पीकर बनते हैं प्रोटेम स्पीकर बनते हैं और फिर दूसरे स्पीकर का चुनाव कराते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस एज सच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 में नहीं है दिस इज इम्प्लिसिट ये इम्प्लिसिट है वहाँ पर राज्यसभा जो होती है वो ही केवल वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल का रिजोल्यूशन इनिशिएट कर सकती है वन टेंथ होना चाहिए ओपोजिशन का स्ट्रेंथ तो साढ़े पाँच सौ है तो दिस इज अराउंड फाइव फिफ्टी है तो फिफ्टी फाइव मेम्बर जरूर होने चाहिए ओपोजिशन के पास इकोनॉमिक्स की आज क्विज हैं बैंक ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर रिस्की एसेट एंड कैपिटल रिस्की एसेट और कैपिटल के बीच में एक सर्टेन रेशियो होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं इन चार में से जो लेफर कर्व है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इन चार स्टेटमेंट्स में ये सारे स्टेटमेंट्स ये जो है क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पे हायर रेजोल्यूशन पे टेलीग्राम से ये आप क्वेश्चन देखिए एंड ट्राई टू सबमिट योर आंसर्स ओवर व्यय इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो सेंट्रल नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर कमर्शियल क्रॉप कौन सी है सेंट्रल नोडल एजेंसी इन चार ऑप्शंस में से

और डी इज बोथ ए एंड बी सो ये पाँच सवाल हैं आज के लिए ट्राई टू आंसर दीज फाइव क्वेश्चन आज की वोकेबलरी है ग्रेवेस्ट ग्रेवेस्ट मतलब सबसे गंभीर सीरियस इंपॉर्टेंट प्रोफाउन प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी प्रडिक्शन कॉम्प्लासेंट मीन्स आत्मसंतुष्ट एरेंट मतलब होता है वो कम्प्लीट है अटर कंप्लीट थॉरो पॉपुलस मीन्स होता है आबादी if you come across any other important word write down that word along with its meaning in the comment section down below language proficiency and strong vocabulary strong vocabulary ke saath hi vocabulary in use bhi acha hona zaruri hai ये फिफ्थ ऑफ मे के दो सवाल है आर ने आज क्वेश्चन न्यूज़ में भी है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या रेपो रेट वगैरह डिसाइड किया तो आर की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है लेटेस्ट ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट दिस इज़ वेरी हाई एल्डिंग इससे सवाल आएगा अभी प्रलम्स में और एक नोट तैयार करते हैं इक्वेटर क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉर्न क्या होता है और इसी तरीके से आप पूरे वर्ल्ड ग्लोब को एक बार अच्छे से रिविजिट करिए इक्वेटर This is tropic of cancer and this is tropic of Capricorn. So these are the two questions for today. हम जो सेकेंड ऑफ मे है उसका आंसर डिस्कशन भी करेंगे सी आई अंडरस्टैंड अभी एग्जाम्स प्रिलिम्स भी आ रहे हैं बहुत सारे पी एस के भी एग्जामिनेशन है इफ़ यू से हम एक ब्रेक भी ले सकते हैं आंसर राइटिंग दिस प्रैक्टिस से फॉर से फिफ्टीन डेज या वन मंथ का ब्रेक लेट मी नो ओके अब ये है सी सेट सी सेट हम डेली अब प्रैक्टिस करेंगे एक आर सी मैं रोज आपको प्रोवाइड करूंगा ट्राई टू आंसर दिस इज़ मोर देन सफिशियंट और आर सी के साथ एक और क्वेश्चन है जैसे आज बेसिक न्यूमरेसी का है ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ओके नाउ लेट अस कम टू द न्यूज़ पेपर सो फर्स्ट है आर बी आई सरप्राइजेज विथ फोर्टी बेसिस पॉइंट जो रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है 40 बी पी एस रेट इंक्रीज हुआ है अमिड इन्फ्लेशन अलाम तो आर अब ईजी मनी पॉलिसी नहीं रखना चाहती है वो टाइटनिंग चालू हो गई है इन्फ्लेशन हो रहा है बिकॉज अकोमोडेटिव पॉलिसी से अकोमोडेटिव पॉलिसी ज़रूरी था रिवाइवल में बट रिवाइवल ग्रोथ को इन्श्योर कराने के चक्कर में हो रहा है इन्फ्लेशन तो आर बी आई इज़ अलार्म अमिड इन्फ्लेशन आर बी आई अब फिर से टाइटनिंग करने लग गई है दिस फोर्टी बेसिस पॉइंट से रेट हाई हो गया है रेट हाई हो गया है देखो ये रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट रेपो एंड रिवर्स रेपो ये दोनों टेंडम में चलते हैं अगर दोनों हाई हो रहे हैं इसका मतलब है जो लिक्विडिटी है वो हटाई जा रही है हाई अकोमोडेटिव पॉलिसी नहीं है अभी हॉकश स्टांस आ रहा है अभी और अगर दोनों रेट कम हो रही है मतलब आसानी से पैसा मिल रहा है और पैसे जो आरबीआई को डिपॉजिट करने का कोई इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा है तो लिक्विडिटी बढ़ेगी तो जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है रेट्स कम हो जाती है जैसे दो हज़ार आठ का यूएस का जो रिसेशन आया था तो तब से यूएस की रेट्स जो हैं बहुत कम चल रही है वहाँ पे बहुत सस्ता पैसा मिल रहा है और अब फ़िजिकल टैपरिंग चालू हो गई बिकॉज़ सस्ते पैसे से इन्फ्लेशन आता है फ़िजिकल टैपरिंग हुई तो अब जो वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड अब ये देख रहे हैं कि जो मनी जो बाहर के मार्केट्स में गया था वो वापस फ्लो वापस होने लग गया है बैक टू यू एस ए सो आर बी आई ने भी इन्फ्लेशन के कारण फोर्टी बेसिस पॉइंट से यहाँ पर रेट को कट किया तो ये अनएक्सपेक्टेड मूव है रेपो रेट इतना कम हुआ आर बी आई लैंडस टू कमर्शियल बैंक तो रेपो रेट क्या होता है वो रेट होता है आर बी आई लैंडस करती है कमर्शियल बैंक को बिकॉज कमर्शियल बैंक का भी बैंक कौन है आर बी आई तो ये जैसे फोर पॉइंट फोर परसेंट हो गई है पहले फोर थी अब फोर पॉइंट फोर हो गई है तो मतलब अब आसानी से पैसा नहीं मिलेगा बैंक को आर बी आई से आसानी से पैसा बैंक को नहीं मिलेगा तो बैंक हमें भी आसानी से पैसा नहीं देंगे तो अभी इंटरेस्ट रेट जो है बैंक लोन्स में वो बढ़ने वाली है तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग सेकेंड रिवर्स रेपो बढ़ाया मतलब बैंक को बहुत इंसेंटिव मिलेगा अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखने से बिकॉज अब उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ पे तो अब बैंक्स अपना सारा पैसा रिजर्व बैंक को दे देंगे तो अगेन हमको पैसा नहीं मिलेगा तो द आइडिया इज इस पूरी एक्सरसाइज का हमारा पब्लिक के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब कराना था ताकि इन्फ्लेशन कम हो तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण ये अक्यूट हो गया था और ये आउट ऑफ द टर्न है जो अभी पॉलिसी हुआ 40 बेसिस पॉइंट से इन्फ्लेशन बढ़ा है राइजिंग अलार्मिंगली एंड स्प्रेडिंग फास्ट तो दिस इज़ इन्फ्लेशन रेपो रेट अभी पहली बार इंक्रीज़ हुआ है अगस्त 2018 से अपन न्यूज़पेपर डेली देख रहे हैं पहली बार इस तरीके से रेपो रेट इंक्रीज़ हुआ है सिंस अगस्त टू तो शक्तिकांता दास साहब कह रहे हैं अवर मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन स्ट्रेंथन कंसोलिडेट करेंगे मीडियम टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनमी बिकॉज यू नो टू मच ऑफ इन्फ्लेशन इज बैड वॉर चल रहा है ऑलरेडी सेंक्शंस का टाइम है रिटेलिएटरी एक्शंस हो रहे हैं शॉर्टेज है कॉमोडिटी प्राइस बढ़ रही है कॉमोडिटी की टिटी की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो डिसलोकेशन हो रहा है सप्लाई डिसलोकेशन हो रहा है देन अलामिंगली परसिस्टेंट स्प्रेडिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर है सो so, इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों से इनफ्लेशन से जो ऑर्डिनरी पीपल है उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है और हैवी जो सेविंग्स हैं या फिर सैलराइड पर्सन right है या पेंशनर्स हैं उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना और फिर अब यहाँ पर डिसीज़न लिया है कि सप्लाई साइड शॉक है इकोनमी का इसको कंटेन करें लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन है उसको कंटेन करें एक्सपेक्टेशंस और फिलहाल ये रेट बढ़ा दी गई है अब इसके साथ ही साथ विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन तो हुआ ये लास्ट टाइम ही डेप्यूटी आर बी आई गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया था कि अब विड्रॉवल होगा अकोमोडेशन का अकोमोडेटिव पॉलिसी का आर बी आई ने सी आर आर भी बढ़ा दिया है फिफ्टी बेसिस पॉइंट से सी आर आर की डेफिनेशन क्या होती है बताइए कैश रिज़र्व रेशियो भी बढ़ गया है 50 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट मतलब जैसे 4.5 परसेंट है पहले चार परसेंट था तो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा तो ये 4.5 परसेंट हो गया अगेन आइडिया है एक्सेस लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करना इसके साथ ही साथ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी जो पार्ट है रेट है ये भी बढ़ाया है 4.15 परसेंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक रेट का भी 4.65 परसेंट है और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो सी पी आई है फोर प्लस माइनस टू परसेंट पर होना चाहिए एम पी सी बनाई ही इसलिए गई है और एम पी सी डिफीट हो रही थी टू कंटेन सी पी आई एट दिस फोर प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू ब्रैकेट सिक्स परसेंट से ऊपर चल रही थी इन्फ्लेशन सी पी आई इन्फ्लेशन तो ये ज़रूरी था और बेसिस फोटी बेसिस पॉइंट से रेट हाइक हुआ है अब रेट्स हाइक होंगे अब एफ डी वगैरह की भी रेट्स हाइक होने का टाइम आ गया है ऑब्वियसली स्लम्प होगा एज लैंडर्स वेल्ट बिकॉज अब सेंसेक्स को तो पैसे चाहिए ईजी मनी चाहिए ईजी मनी आता है तो सेंसेक्स अप जाता है सेंटिमेंट्स का प्रॉब्लम आता है तो सेंसेक्स डाउन हो जाता है सो दिस इज़ दैट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी न्यूज़ में चल रहा है वो है कि गवर्नर के पास क्या जो मर्सी देने की पावर है अगर किसी डेथ कॉन्विक्ट को डेथ जिसको अवॉर्ड हुआ है डेथ सेंटेंस अवॉर्ड हुआ है गवर्नर क्या उसको मर्सी के लिए रिकमेंड कर सकते हैं या मर्सी कंसिडर कर सकते हैं मर्सी देखो ये पार्डनिंग पावर होती है ना इसका एक पार्ट होता है मर्सी बाकी और भी दूसरे लाइक पार्डनिंग like, जो पावर होती है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की ये जो प्रिजन का या जो सेंटेंस दिया है उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि कॉम्यूट कर सकते हैं रेस्पाइट कर सकते हैं तो एक होता है पार्डन पार्डन मतलब होता है कंप्लीट माफ़ी देना तो ये कंप्लीट माफ़ी देना क्या गवर्नर के डोमेन में है या नहीं दिस इज़ द क्वेश्चन बिकॉज पार्डनिंग होता है और जो हम रेगुलर टैक्स देखते हैं पार्डनिंग पावर डेथ सेंटेंस में और जो आर्म्ड फोर्सेज है इससे रिलेटेड ये मैंडेट केवल प्रेसिडेंट के पास होता है गवर्नर के पास नहीं होता है तो द पॉइंट इज़ यहाँ क्या होगा लेटेस्टी सुप्रीम कोर्ट अभी इसको अंडरस्टैंड कर रही है जस्टिस नागेश्वर राव ने क्या कहा द क्वेश्चन वेदर द गवर्नर वॉज राइट इन रेफरिंग द स्टेट कैबिनेट विश टू द प्रेसिडेंट तमिलनाडु में एक केस आया और तमिलनाडु की जो कॉम है उन्होंने गवर्नर को बोला ये केस आप प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दो और केस है अबाउट पार्डनिंग ऑफ अ कैपिटल पनिशमेंट सो क्या ये स्टेट का मैंडेट है ये अब सवाल उठ रहा है प्रेसिडेंट को एक्सरसाइजिंग हिज ड्यूटी अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर यहाँ पे कर रहे हैं यानी ये अभी लेटेस्ट ही कोर्ट यहाँ क्या डिसीजन लेती है तो सुप्रीम कोर्ट डिसअग्री किया सेंट्रल गवर्नमेंट सजेशन से दैट द कोर्ट शुड वेट टिल द प्रेसिडेंट टू का कॉल ऑन दिस असासीनेशन और इसमें मर्सी देना है या नहीं देना है ये एक मुद्दा है तो दिस इज दैट प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है वाज वेदर गवर्नर हैड इन द फर्स्ट प्लेस द अथॉरिटी टू रेफर द मर्सी प्ली टू द प्रेसिडेंट तो गवर्नर के पास क्या यह अथॉरिटी है कि वो मर्सी प्ली का रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं आर्टिकल 161 में कॉन्स्टिट्यूशन में द गवर्नर वॉज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर प्राइमाफेसी कोई अथॉरिटी नहीं है टू ट्रांसफर द मर्सी प्ली देर वॉज नो रोल फॉर द प्रेसिडेंट हियर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर क्रिएट हो गया है इसमें बेस्ट एडवाइस यही है हमारे लिए कि लेट लेटस वेट एंड वॉच प्रेसिडेंट हिमसेल्फ विल डिसाइड इफ़ द गवर्नर कुड हैव रेफर्ड द फाइल टू हिम और नॉट

जो पावर ऑफ गवर्नर है वो बहुत डिस्कशन में रहा है और गवर्नर इस बार अभी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नर टॉपिक सो दीज आर टू टू टॉपिक्स फ्रंट पेज नीट एग्जामिनेशन में भी अभी यही हो रहा है नीट एग्जामेशन बिल में भी अगेन गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए तो गवर्नर इन टोटेलिटी पॉलिटी का हॉट फेवरेट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट टू लुक इन टू सील्ड कवर जुरिस प्रोडेंस अब क्या है जैसे कोई केस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगा तो गवर्नमेंट जो होती है एग्जीक्यूटिव वो सील्ड एनवलअप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है सील्ड एनवलअप में और सील्ड एनवलअप में अब क्या है ये वी डोंट नो सो द पॉइंट इज़ जो कोर्ट है वो बोल रही है जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो आप ओपन लेटर ओपन फाइल में भी दे सकते हैं क्लोज्ड सील्ड एनवेलप में नहीं दे बिकॉज जैसे किसी को बैन लग रहा है तो उसको भी पता लगना चाहिए एक्चुअली क्या रीजंस थे क्या सारी चीज़ों के कारण यहाँ बैन लगा क्योंकि अगर सील्ड एनवेलप कल्चर चलता है तो यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोर्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती है दिस इज़ चेजिंग लाइट इरीडिसेंट प्ले है ये फायर फ्लाइज़ है फायर फ्लाइज़ है और ये कहाँ पर है टॉप स्लिप अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व नोट डाउन दिस नेम टॉप स्लिप अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है फायर फ्लाइज़ है ये इमेज़ हैं फोटोग्राफ्स की शॉट ओवर फिफ्टीन मिनट्स तो अप्रोक्सीमेट काउंट ऑफ फ्लाइज़ यहाँ पर दिख रहा है दिस इज़ ब्यूटिफुल चेजिंग लाइट दैन पॉलिसी होल्डर एल आई सी का आई पी ओ आ गया है वन पॉइंट नाइन टाइम्स सो दिस इज़ दै सो ये तो हुआ फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू नेक्स्ट है वेलकम शॉवर्स रिस्पाइट फ्रॉम हीट बारिश हुई तो दिस इज़ गुड वरना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा था दिल्ली का मरकरी देन केरला सीक्स टू कंटेन दिस शिगेला स्प्रेड ये क्या है ये शिगेला एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया है शोइंग द शिगेला बैक्टीरिया एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है ये फूड चेन में मिला बहुत ज़्यादा तो यहाँ एक यहाँ एक रेस्ट्रॉ है ईटरी है वहाँ पर दिस इज़ कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में केरला में तो यहाँ कुछ लोगों ने ऐसा डाइन किया और वहाँ का जो पानी था उसमें ऐसा कुछ हो गया फूड पॉइजनिंग तो अब पूरा सिस्टमेटिक जांच हो रही है कि यहाँ पे ये यह बैक्टीरिया आया कैसे ये आउटब्रेक कैसे हुआ इस बैक्टीरिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल से जाना पड़ा फूड पॉइजनिंग हो गया वॉमिटिंग सिम्टम्स डायरिया एट्सेट्रा सो so, अभी क्या हो रहा है अब ये भी एक टाइप ऑफ केस स्टडी है कि अब डीएम हो या ऐसा आउटब्रेक हो गया डिसीज़ का डायरिया वगैरह आप क्या करोगे स्टेप्स अभी हैं सर्वे कराया जा रहा है क्लोरिनेट ड्रिंकिंग वाटर किया जा रहा है हाइजीन चेक हो रहा है फूड प्रिपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए जा रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स हो रहा है ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं सो दैट इज़ वाई मैं आपको हमेशा बताता हूँ न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ें देखते रहना चाहिए और उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि अगर मैं यहाँ होता एज अ डी तो मैं क्या करता थिंक लाइक दिस एंड ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे अच्छे अच्छा, आइडियाज़ आने लग जाएंगे तो ये एक रेडीमेड टैंपलेट है ये एक रेडीमेड टैंपलेट है आप इसी टैम्पलेट को अडॉप्ट करो अपने आंसर राइटिंग में सेम ये टैम्पलेट लिख दो फूड सेफ्टी रिपोर्ट भी होना ज़रूरी है यहाँ पे ई कॉली कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी मिला हुआ है फूड सैंपल में सो द पॉइंट इज़ ये कैसे हुआ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल आउटब्रेक तो इसकी अभी जांच हो रही है दैन दिस इज़ अबाउट दिस दैन दिस इज़ फर्स्ट है इन एविटेबल इंक्रीज़ आर बी आई ने इंक्रीज़ किया है इंटरेस्ट रेट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू तो फाइनली आर बी आई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड भी था इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए डी एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हो रहा था ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों हर्ट हो रही थी रशियन इन्वेजन जो है यूक्रेन का और उसके बाद वेस्टर्न सेंक्शनज हैं ग्लोब में अक्रॉस द वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस हिट हुआ है वीट एडेबल ऑयल क्रूड ऑयल एंड कोल इंडियन हाउस होल्ड जो हैं वो भी यहाँ पे इन्फ्लेशन के कारण डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज इन्फ्लेशन मतलब परचेजिंग पावर आपका डेप्रिशिएट हो रहा है सस्टेनेबल हायर इन्फ्लेशन होता है तो ये सेविंग्स को हर्ट करता है इन्वेस्टमेंट्स को हर्ट करता है कॉम्पिटिटिवनेस आउटपुट ग्रोथ को हर्ट करता है सो दैट इज़ वाई एडवर्स इफ़ेक्ट है इसको दूर करना ज़रूरी है और इसलिए एक इन्फ्लेशन टेम करने का स्टेप है कि रेट्स को हाइक करो प्राइसेस ओवरऑल वर्ल्ड में भी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी दिखा रही है इकोनॉमीज जैसे यूएस फेडरल रिज़र्व की है ये भी अब पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन कर रही है दस बारह साल से बहुत फ्री मनी हो रहा था अब नहीं है पाथ ऑफ पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन है वॉलेटिलिटी हो रहा है कैपिटल फ्लो में प्रेशर हो रहा है एक्सचेंज रेट में रुपी भी अपना पिट रहा है तो हाइटनिंग द रिस्क ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर ने रेट को बढ़ाया है एक चीज़ और है यहाँ पर रेट बढ़ने का इन्फ्लेशन बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न फ्यूल का प्राइस भी है सो दैट इज़ वाई सेंटर को और स्टेट को दोनों को जो फ्यूल है फ्यूल में रेट कट करना ज़रूरी है फ्यूल में जैसे हमने पढ़ा था ना एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडिशन टैक्स जो लग रहा है सेंटर और यूनियन और स्टेट्स के द्वारा इसको कम करना भी रिक्वायर्ड है इन द टाइम ऑफ वॉर यूरोप विदाउट अपसेटिंग रशिया तो यूरोप इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है बट हम रशिया को भी अपसेट नहीं करेंगे बर्लिन के साथ अभी दिस बिलियन का बायोलिट्रल कोऑपरेशन की बात है कॉपर में भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने नॉर्डिक समिट किया डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड आइसलैंड के साथ डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और आइसलैंड फिर प्राइम प्राइम मिनिस्टर साहब पेरिस भी गए फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रो के साथ मीटिंग हुआ ये पूरा यूरोप का ट्रिप सक्सेसफुल रहा और ये बहुत ज़रूरी भी था बिकॉज यूरोप लॉगर हेड में आ रहा है रशिया और हमारे दोनों तरफ ही अच्छे टाइज हैं इससे पहले यूरोपियन कमिश्नर उर्सुला वॉन डेर लेन भी इंडिया विजिट किए थी सो द पॉइंट इज़ कि यूरोप एक इम्पॉटेंट पार्टनर है इंडिया का और इस पार्टनरशिप में जो है कन्वर्जन अब बढ़ता जा रहा है नॉर्डिक फाइव में भी जैसे बात किया कि नॉर्डिक फाइव भी अब नेटो मेंबरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं नेटो से और फिर कन्फ्रंटेशन बढ़ सकता है जर्मनी का इंडिया के साथ काफ़ी स्ट्रॉग टाइज़ है जर्मनी का रशिया के साथ भी स्ट्रॉग टाइज है तो जर्मनी भी लाइक इंडिया की तरह है क्योंकि जैसे इंडिया रशिया पे डिफ़ेंस सप्लाईज पे डिपेंडेंट है जर्मनी रशिया पे इंपोर्ट ऑफ गैस पे डिपेंडेंट है बट स्टिल जर्मनी जितना वोकल है हमने ऐसे क्रिटिसाइज नहीं किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बस यही कहा कि जो भी फाइट है वो ओवर होना चाहिए पीस एंड डायलॉग शुड बी द वे आउट चैलेंज जो है न्यू दिल्ली में वो ये है स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक फ्यूचर बनाए यूरोप के साथ और कॉम्प्लेक्स बट वाइटल पार्टनरशिप जो हो रही है वो वहाँ पे करें बट रशिया को अगेंस्ट जाके भी नहीं करें एक मिड वे यहाँ पर फाइंड करें ये बात है इकोनॉमिक स्पीड बम्प्स यस बट नो ब्रेकडाउन एक्चुअली यहाँ क्या लिखा है नेपाल के बारे में लिखा है जो भी श्रीलंका में हो रहा है ना ये नेपाल में भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस नेपाल में भी इस टाइप के क्राइसिस देख रहे हैं बिकॉज नेपाल इज़ अगेन सी एक्चुअली क्या होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है डेमोक्रेसीज है डेमोक्रेसीज में एवरी स्टेट इज़ वन चाहे इंडिया हो वो वन यूनिट है वर्ल्ड डेमोक्रेसी में देखें नेपाल है वो वन यूनिट है श्रीलंका है वन यूनिट है अब सी अगर इंडिया का साइज़ देखें तो इंडिया इज़ ह्यूज नेबर्स जो हैं जैसे नेपाल हुआ या श्रीलंका हुआ तो एट टाइम्स क्या होता है दे स्टार्ट फीलिंग कि इंडिया उनको ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इंडिया पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो दे स्टार्ट लाइक चाइना का हम लें चाइना कार्ड खेलें इंडिया के साथ ये टेंडेंसी नज़र आती है सेम जैसे श्रीलंका में हुआ था चाइनीज़ टेंडेंसी नेपाल में भी चाइनीज़ टेंडेंसी प्लस एट टाइम्स कन्फ्रंटेशन होता है तो दे एट टाइम्स फ़ील कि इंडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ डिफ़िकल्टी आने लग जाती है बट नेपाल और श्रीलंका भी अगर हम जोग्राफी देखें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए अब इंडिया इज़ ह्यूज अगर श्रीलंका और नेपाल की बात करें तो इतने रिसोर्सेज ऑब्वियसली इतनी कम जगह में पॉसिबल नहीं है कि सेल्फ रिलायंस हो पाए यहाँ की इकोनॉमीज़ प्राइमरली टूरिज़म पे डिपेंडेंट होती है सो so, इस पूरे टोटेलिटी में अगर इंडिया जो है तो क्लोज़र टाइज़ विद इंडिया दोनों कंट्रीज़ के बेनिफिट्स में है ये चीज़ अभी इस क्राइसिस में भी देखा नेपाल इस्पेशली जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल का भी इंडिया विजिट हुआ ये नेपाल के लिए इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लस अभी जो नेपाल में जैसे टेंडेंसीज हो रहा था टूरिज्म यहाँ पे नहीं हो रहा है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो रही है तो इससे क्या होता है जहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है हु विल वॉन्ट टू गो टू दैट प्लेस ये एक डिफ़िकल्टी है सेकेंड अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और कोविड नाइन्टीन का भी थ्रेट आ गया तो अगेन टूरिज्म डैम्पन हो रहा है यहाँ पे प्लस पिछले कुछ टाइम से नेपाल के जो एस्पायरेशन हैं और जिस तरीके से यहाँ की इकोनॉमी भी एक्सपैंड हो रही है तो हैज रीडिंग वन रिपोर्ट कि नेपाल में भी इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है तो इम्पोर्ट मतलब कि खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं नेपाल के बट जो एक्सपोर्ट है वो नहीं हो रहा है मतलब इनकम नहीं हो रही है इनकम नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होना था यहाँ पे तो अभी है इकोनॉमिक स्पीड बम्प्स है ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और फाइनली ये कॉन्क्लूजन बहुत अच्छा लिखा है कि नेपाल के लिए इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इज़ वाई जो कमिटमेंट है पीस प्रोस्पैरिटी का ये ज़रूरी है यहाँ पे सो दिस इज़ दैट दैन दिस इज पॉलिटिकल दिस इज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें वर्कर्स हिट द हार्डेस्ट विमेन एंड सेलेराइड वर्कर हैव बिन अफेक्टेड द मोस्ट बाई द पैंडमिक इन इंडिया दैन दिस इज वर्किंग स्टेट केरला वीट प्रोडक्शन डिपोआ आर बी आई ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स हैं ये दैन दिस इज़ ट्रेड पैक्ट है एक्चुअली यू ए ई के साथ ट्रेड पैक्ट है कुछ इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है जैसे टी वी यूनिट पिक्चर ट्यूब सोप टॉयज हमने सेपा किया है सेपा सेपा साइन किया था फेबररी में यू ए ई के साथ सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट फर्स्ट ऑफ़ मे को ये एक्टिवेट हो गया है इम्प्लीमेंट हो गया है इस सेपा से 26 बिलियन वर्थ का इंडियन प्रोडक्ट्स जो है दैट आज सब्जेक्टेड टू 5 परसेंट इम्प्योर्ड ड्यूटी बाय द यूएई और उसमें ये सारे एक्सक्लूडेड है एम्बिट ऑफ द फ्री ट्रेड जो है सेपा का उसमें ये प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडेड है जैसे टी वी पिक्चर ट्यूब सोप टॉयज ऐसा प्रोविज़न होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स को हम एक्सक्लूड कर दें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से तो इतने आइटम्स एक्सक्लूड कर दिए हैं सेपा से अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी की बात है टॉक्सिक ट्रिपल कॉम्बिनेशन हो रहा है फूड क्राइसिस वरिज्म ट्रेंड है ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस ने बताया इनसिक्योरिटी फूड की एफ्रो लेटिनो आइडेंटिटी ये है स्टेटस ऑफ जीएसटी एस ड्यूज अब जीएसटी क्या था जीएसटी एक सब्ज्यूम कर लिया था बहुत सारे टैक्स को कॉम्प्रिहेंसिव था अब बिकॉज स्टेट्स ने अपनी टैक्सेशन पावर ड्रॉप किया और वो डिपेंडेंट हो गए सेंटर पे सेंटर के पास जीएसटी कलेक्शन आया नहीं तो सेंटर जीएसटी कैसे दे स्टेट को कंपनसेशन तो सेंटर ने बोल दिया फोर्स मेजर अभी क्या यहाँ पे बात है जीएसटी एस रिजीम जो है वो अभी नॉर्मल सी की बात चल रही है एक्चुअली ये भी था कि जो स्टेट्स को लॉस होगा से फाइव ईयर्स जी एस इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है पाँच साल हो गए हैं जी को दो हज़ार से जो लॉसेज हो रहा है स्टेट्स को वो कंपनसेट कर दिया जाएगा बाय द सेंटर ये बात था और ये कैलकुलेट होगा फोर्टीन परसेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में मतलब सौ रुपए फिर अगले साल एक सौ चौदह रुपए इस तरीके से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे रेवेन्यू तो बिकॉज स्टेट्स ने अपने टैक्सेशन राइट्स ड्रॉप किए थे तो ये कंपनसेशन उन्हें होगा एक कंपनसेशन सेस फंड भी बनाया जाएगा उसमें जो पैसा आ रहा है उससे पैसे से स्टेट्स को कंपनसेट किया जाएगा सेस क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैक्स होता है किसी पर्पस के लिए सेस फंड सेस जो होता है सेंटर स्टेट से बाध्य नहीं है शेयर करने के लिए बाकी चीज़ों को तो टैक्स शेयर करना पड़ता है फाइनेंस कमीशन बट सेस के लिए नहीं है सेस में इन्होंने टैक्स लगाया सिन गुड लग्जरी गुड पान मसाला टोबैको कोल एंड कार्स में और इससे जो पैसा आएगा वो हम कंपनसेट करके राज्यों को जो नुकसान हुआ है वो देंगे ये बात था बट इससे कई बार पैसे नहीं आए तो इससे फोर्स मेजर हो गया स्टेट्स बोलते हैं हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए और आप हमें कंपनसेट नहीं कर रहे हो हमारे टैक्सेशन राइट्स भी हमने ड्रॉप कर दिए तो इससे फ्रिक्शन हुआ कोऑपरेटिव डिस फाइनेंस सेक्टर में फाइनेंशियल फिजिकल कोऑपरेशन नहीं हो पाया और लॉगर हेड पे आ गए सारे राज्य और सेंटर तो अब जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है तो नॉर्मल सी आ रही है इंडियाज़ पोजिशन ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो ये एक रिपोर्ट होती है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको रिलीज़ करते हैं एक सौ अस्सी कंट्री में हमारा स्थान है डेढ़ सौ वन फिफ्टी दो हज़ार बाईस की रैंकिंग में इसमें को पाँच कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर होते हैं पॉलिटिकल लीगल इकोनॉमिक सोशो कल्चरल और सेफ्टी तो देखा जाता है इंडिया में पॉलिटिकल फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम लीगल फ्रीडम सोशो कल्चरल एंड सेफ्टी और अकॉर्डिंगली ये रिपोर्ट बनती है तो इसमें इंडिया की रैंकिंग थोड़ा ठीक नहीं आई है देन द ध्वनि ऑफ वन लैंग्वेज इन अनदर और ये है इंग्लिश जैसे फेस टू फेस आना तो वो बोलते हैं मिलना मीट मीट सो मीट मीन्स टू कम फेस टू फेस विद मीट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सी सी जैसे आप YouTube वीडियो देख रहे हो यू कैन सी मी बट आई कैन नॉट सी यू गूगल मीट करते हैं तो मैं आपको भी देख पाता हूँ आप मुझे भी देख पाते हो तो वहाँ मीटिंग कहलाती है वो गूगल मीट कहलाता है तो ये है क्लियर नहीं है येस्टरडे इट इज़ नॉट क्लियर वेदर ही सो यू किसी को आपने देखा उसने आपको नहीं देखा तो सी बट दोनों ने मिल बात किया देन इट इज़ मीट देन देर इज़ नो बेसिस फॉर दिस फ्यू जैसे आई मेट विद हिम यस्टरडे करते हैं जहाँ मेट विद होता है तो मतलब बहुत एक फॉर्मल टॉक हुआ है एक्सपीरियंस है या फिर डिटेल टॉक हुआ है इधर भी अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकते हैं ब्रिटिशर्स में टू एक्सपीरियंस और फाइंड एनी फाइंड बाई चांस जो होगा वो होगा फेस जैसे कि यू मेट विद लाइक से यू मीट पीपल मेट विद एन एक्सीडेंट है तो मतलब यू एक्सपीरियंस दैट थिंग सो दैट इज मेट विद ओके और एग्नोस्टिक में क्या डिफरेंस होता है एग्नोस्टिक और एथिस्ट में एग्नोस्टिक मतलब होता है वो जो ना तो मानता है ना डिनाई करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और एथिस्ट क्लियरली डिनाई करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो एग्नोस्टिक और एथिस्ट देन डिफरेंस बिटवीन ही ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हाउस ही हैज़ सोल्ड ऑलमोस्ट ऑल इज बुक्स ऑलमोस्ट सोल्ड मतलब करीब करीब बेच दिया था बट बेचा नहीं सोल्ड ऑलमोस्ट ऑल इज बुक्स मतलब एक या दो किताब बची है बाकी सारी बेच दी है ही गिव ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू मी ओके सो ये कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स है जैसे डेफिशेंट है डेफिशेंट मतलब किसी चीज़ की कमी डेफिशेंट इन वाइटामिन बी डिफेक्टिव है मतलब वो वर्क नहीं कर रहा है जैसे मशीन इज डिफेक्टिव सो ये इंग्लिश है देन दिस इज न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन प्रेसिडेंट साहब ने क्या बोला लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए प्राइम मिनिस्टर साहब का बैलेटल टॉक हुआ नॉर्डिक लीडर से नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी होती है अभी हमने पढ़ा नेम ऑल द नॉर्डिक कंट्रीज ब्लू इकानमी ये बहुत इंपॉर्टेंट बज़वर्ड है ब्लू इकानमी क्लीन एनर्जी आईटी एंड इनोवेशन अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो ना वो सब यहीं से आते हैं सवाल ब्लू इकॉनॉमी क्या है क्लीन एनर्जी क्या है स्पेशली कुछ बहुत अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनोवेशन एंड डिस्कस तो जो बायोलिट्रल टॉक्स हुए वहाँ बात हुआ ब्लू इकोनॉमी क्लीन एनर्जी हेल्थ केयर ये कॉमन चीज़ें हैं नॉर्वे के साथ हुआ सिमिलर चीज़ हम हर जगह करते हैं आर्कटिक पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमने आर्कटिक पे आंसर राइटिंग किया है आर्टिक कंट्रीज़ देन इसके बाद एक्शन प्लान की बात किया आईटी रिसर्च इनोवेशन वगैरह में बिटवीन नेशंस फिर हमने बात किया सीमेंट बाइोलिट्रल टाइज करने हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी कल्चर तो नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ भी क्लोजर टाइज यहाँ पे होने की बात है तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब है दिस कोपन हैगन में देन वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल प्रॉस्पैरिटी ट्रेडिशनल गिफ्ट्स भी दिए डिग्निटरीज को एंड मैक्रो के साथ मीट हुआ अमिड यूक्रेन क्राइसिस दैन नॉइस पॉल्यूशन कोविड पैंडमिक इज नॉट ओवर सी वी के पॉल साहब ने कहा नीति आयोग मैंबर कोविड इज स्टिल दर कॉशन इज़ वाइटल सो नीति आयोग मेम्बर ने कहा कंट्री गुड वैक्सीनेशन कवरेज है विच इज़ सम रिलीफ हाइएस्ट सेक्स रेशो एट बर्थ है लद्दाख में विच इज़ अ गुड न्यूज़ लद्दाख में वन वन जीरो फोर है अरुणाचल में वन जीरो डबल वन है अंडमान में नाइन एट फोर त्रिपुरा में नाइन सेवन फोर केरला में नाइन सिक्स नाइन ये टॉप फाइव स्टेट्स है जेंडर रेशियो बॉटम में ये नंबर अच्छा नहीं है मणिपुर दादरा नगर हवेली गुजरात हरियाणा और मध्य प्रदेश का नंबर अच्छा नहीं है 2020 ये डेटा है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट है तो सेक्स रेशो आइडली ये दोनों बराबर होना चाहिए बराबर होना चाहिए सो दैट एक हेल्दी पॉपुलेशन हमारी बनी रहे तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सेक्स रेशो मेनटेन रहे इसीलिए जो बहुत सारे जैसे प्री टेस्ट होते हैं ये सब चीज़ें बैन हैं दिस इज़ क्राइम द सेक्स रेशो एट बर्थ ऑफ रजिस्टर्ड इवेंट जो है ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी हमारी पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रही है देन सेक्स रेशो ये भी ज़रूरी होता है कि आफ्टर डिडक्टिंग द डिलेड हम एक साल का टाइम भी ले लेते हैं एक साल का टाइम है सारे जितने बर्थ हुए हैं उनको रजिस्टर ताकि डेटा ऑथेंटिक आए हमारे पास तो ये याद रखना है ये लेटेस्ट अभी डेटा है अकॉर्डिंग टू सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट देन दिस इज़ रशिया यू एम्बागो एंड जापान पीएम पोप डिस्कस न्यूक्लियर आर्म्स बीजिंग कोविड बढ़ रहा है ऑफ साइकिल मूव हिंटेड मोर अग्रेसिव रेट इनक्रीजेस रेट अब बढ़ने वाली है रेट्स अब बढ़ेंगी आर बी आई मूव सेंड स्टॉक्स इन टू डाउनवर्ड स्पायरल अमेजॉन डबल कर रहा है देन स्टेट्स ऑफ बैलेंस शीट बोरोविंग डेक डल हाई है स्टेट्स के पास पैसा ही नहीं है बोरो करना पड़ रहा है सब देन अमेजॉन डबल्स इंडिया एक्सपोर्ट टारगेट then this is sports all right so this is the new hindu newspaper now let us come to revision class revision class mein aaj hum start karte hain polity se polity mein hum aaj padhte hain parliamentary committee तो parliamentary committee क्या होती है एक committee. कोई भी काम करना है हम committee को दे दिए parliament बहुत बड़ी है तो काम को divide कर दिया जाता है work division होता है committees के थ्रू स्पीकर जो होता है वो डायरेक्शन दे सकता है कमिटी स्पीकर कई बार इन्वॉल्व भी होते हैं कमिटी फॉर्मेशन में सो द पॉइंट इज कमिटी के थ्रू पार्लियामेंट वर्क होती है पार्लियामेंट का जो वर्क है वो कमिटी के थ्रू होता है अब कमेटी एडॉक्ट भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है एडॉक कमेटी जैसे एडॉक्ट टीचर्स जैसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि जब ज़रूरत है दे आर देयर एडहॉक कमेटी जो होती है वो केस बाय केस बेसिस पे होती है दोनों हाउसेस के प्रेसाइडिंग ऑफिसर जॉइंटली भी बना सकते हैं सिंगल भी बन सकती है द टाइम द पॉइंट इज एक पर्टिकुलर वर्क आया उसकी कमेटी बना दी वर्क चला गया कमेटी भी गॉन तो दिस इज एडहॉक, एडहॉक कमेटी ए डी एच ओ सी फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ये होती है जेपीसी जेपीसी ये होती है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जॉइंट इसका मतलब है वन हाउस का मोशन अडॉप्टेड बाय वन हाउस कॉन्कर्ड बाय द अदर थ्रू कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसाइडिंग हाउस तो जॉइंट हो गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुई जेपीसी की स्ट्रेंथ भी वेरी हो सकती है अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट जैसा पार्लियामेंट का डिसाइड डिसीजन होता है और जो जे होती है इसके पास ओवर आर्किंग पावर होता है समन एनी अथॉरिटी इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर की किसी मैटर पे बात करनी है तो जे के थ्रू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू समन किया जा सकता है सीकिंग अटेंडेंस सो दिस इज़ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फिर एक स्टैंडिंग कमेटी होती है ये काइंड ऑफ लाइक स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ये परमानेंट टाइप इन नेचर होती है ओके okay, सो so ये जो होती है ये भी इसमें भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर का इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं तो दिस कमिटी इज काइंड ऑफ परमानेंट इन नेचर इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमिटी है लोकसभा की जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कमिटी ऑफ प्रिविलेज कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस एस्टिमेट कमिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स कमिटी एम्पावरमेंट ऑफ वमेन पब्लिक अंडरटेकिंग तो ये काइंड ऑफ स्टैंडिंग कमेटी है ये है हमेशा एक पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ वेलफेयर शेड्यूल शेड्यूल्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो द पॉइंट इज ये कमेटी जो होती है ये स्टैंडिंग कमेटी कहलाती है स्टैंडिंग और दूसरी कमेटी होती है जो केस बाय केस बेसिस पे है वो होती है एडहॉक कमेटी तो एडहॉक कमेटी एंड स्टैंडिंग कमेटी कमेटी का काम होता है एक पर्टिकुलर वर्क को करना फाइनेंशियल कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें भी कमेटी ऑन एस्टिमेट्स है 1950 में बनी थी इसमें 30 मेंबर होते हैं और द पॉइंट इज़ लोकसभा से होते हैं लोकसभा में लोकसभा के इसके मेंबर्स होते हैं लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है और इसमें मिनिस्टर नहीं आएगा कोई भी मिनिस्टर है तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगा और ये एक साल के लिए होगी तो नो मिनिस्टर वन ईयर लोकसभा लार्जेस्ट कमेटी है स्ट्रेंथ वाइज तो थर्टी मेंबर्स हैं इसमें तो दिस इज एस्टिमेट कमेटी अब एस्टिमेट कमेटी का क्या है इकोनॉमी से रिलेटेड सारा ये जांच करती है ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी है या नहीं है इन सब चीज़ों का ये एस्टिमेट बनाती है ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ भी लाती है एफिशिएंसी इकोनमी एडमिनिस्ट्रेशन में ये एग्जामिन करती है कि जो मनी है वो वेल लेड विद इन द लिमिट्स हुआ या नहीं हुआ ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर दिए ये सारा एस्टिमेट बना के वो पार्लियामेंट को प्रजेंट करती है ये जो है ये फंक्शंस में ये द कमिटी डज नॉट एक्सरसाइज इट्स फंक्शन इन रिलेशन टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स एज आर अलॉटेड टू कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बाय रूल्स प्रोसीजर ऑफ लोकसभा और बाय द स्पीकर तो एस्टिमेट कमिटी जो होती है पब्लिक अंडरटेकिंग जो है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है एस्टिमेट कमिटी जो है इसका जो फंक्शन है वो बस ये है कि ये देखना कि जो मनी अलोकेट हुआ था प्रॉपर पॉलिसी में वो यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ कहीं उससे डेवियंस तो नहीं आया है दिस इज एस्टिमेट कमेटी जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और अंडरटेकिंग कमेटी इनका मैंडेट अलग है और इनके हेल्प के लिए कैग भी होता है कॉम्टोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अब तो ये दूसरी कमेटी आई पब्लिक अकाउंट कमेटी ये 1921 में है इसमें 22 मेंबर होते हैं अब इसमें दोनों हाउस हैं पंद्रह मेंबर लोकसभा सात मेंबर राज्यसभा इसके जो हाउसेस दोनों अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेज सकते हैं लोकसभा राज्यसभा के दोनों चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड बाय द स्पीकर और यूजुअली अपोजिशन पार्टी का इसका चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का अब ये जो पी है ये रिपोर्ट ऑफ कैग को डवेल करेगा रिपोर्ट ऑफ कैग को स्टडी करेगा रिपोर्ट ऑफ कैग पार्लियामेंट में सबमिट होती है और पी उसको स्टडी करता है ये जो कैग की सबमिटेड रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट होती है इसको देखता है दिस पैक स्क्रूटिनाइज करता है अकाउंट जो गवर्नमेंट का है कि सारा फंड्स वगैरह लीगली अवेलेबल था या नहीं था इस टाइप से देन एक्सपेंडिचर जो है वो भी कॉन्फ़ॉर्म्स है टू द अथॉरिटी विच इट री अप्रोप्रिएशन जो हुआ है पैसे खर्च हुए हैं वो क्या प्रोविजन के अकॉर्डिंग हुए हैं पैक एग्जामिन करता है लॉसेज नगेटरी एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ वगैरह हुआ ये सब चीज़ होता है अबाउट दिस पैक पब्लिक अकाउंट कमिटी का फिर पब्लिक अंडरटेकिंग भी होती है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी बाईस मेम्बर हैं पंद्रह लोकसभा सात राज्यसभा वन ईयर का इसका टेन्य होता है इसका काम भी यही होता है रिपोर्ट्स अकाउंट्स देखती है पब्लिक अंडरटेकिंग वाले ये एग्जामिन करती है रिपोर्ट कैक का सेलेक्टेड पी एस यूज़ का सी ये पब्लिक अंडरटेकिंग है तो ये जो पी एस यूज़ होती है इनकी रिपोर्ट स्पेशली ये देखेगी फिर जो दूसरे पब्लिक अंडरटेकिंग के वर्क है कमर्शियल प्रिंसिपल्स हैं वो तो ये थोड़ा नैरो मैंडेट होता है इसका पब्लिक अंडरटेकिंग पब्लिक अकाउंट सारे टाइप ऑफ अकाउंट्स देख रही है एस्टिमेट कमिटी बेसिकली जो पॉलिसीज है सरकार की उस पर ज़्यादा देखती है तो दैट इज वाई सरकार लोकसभा को ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है तो दैट इज वाई एस्टिमेट कमिटी में केवल लोकसभा के मेंबर्स होते हैं तो ये फाइनेंशियल कमिटीज हो गई ओके okay. अब आते हैं जोग्राफी ज्योग्राफी में जो रिवर है रिवर में भी एन जो इलेवेंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा एन सी इलेवेंथ रनिंग वाटर विच यूजली एम टीज इट सेल्फ इन टू अ सी और ओशन जो होता है स्लोप में बहता हुआ वो होता है रिवर नदी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है स्ट्रीम्स अब पानी किस तरीके से बह रहा है किस तरीके से स्लोप हुआ इसके हिसाब से बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती है तो जैन वैसे कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है क्लासीफिकेशन करना डिफ़िकल्ट है बट पाँच क्लासीफिकेशन हम कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंट वर्ड में लिखा है इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग तो ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है स्लोप ऐसा था तो उसका नतीजा है कि रिवर ऐसे बह रही है तो दिस इज कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम सबसिक्वेंट सबसिक्वेंट मतलब जैसे हेडवर्ड इरोजन हुआ अलोंग द वीक स्टार्ट ऑफ द बेड रॉक तो जो फ्लो है अलोंग ओरिजिनल स्ट्रीम्स इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल रिलीफ ऑफ द लैंड है मतलब कि जो फ्लो अलोंग द ओरिजिनल स्ट्रीम्स हैं पहले से स्ट्रीम बह रही थी और उसके बाद रिलीफ चेंज हुआ इंडिपेंडेंट है ओरिजिनल रिलीफ ऑफ द लैंड तो वो कहलाती है सबसिक्वेंट स्ट्रीम जनरली मतलब स्ट्रीम थी फिर वहाँ पर लैंडफॉम चेंज हो गया स्ट्रीम अभी भी है दे जनरली फ़्लो अलोंग ओरिजिनल स्ट्रीम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल रिलीफ ऑफ द लैंड तो वो होगा सब्सिक्वेंट री क्या होता है ये फ्लो अलोंग द ओरिजिनल स्ट्रीम होता है बट द लेवल इज लोअर देन द ओरिजिनल स्लोप ये स्ट्रीम्स जनरली ट्रिब्यूटरीज हो जाती है सबसिक्वेंट स्ट्रीम की एक सबसिक्वेंट स्ट्रीम है उसकी रिसीक्वेंट स्ट्रीम्स यूजली ट्रिब्यूटरी हो जाती है बिकॉज इनका फ्लो थोड़ा लेवल कम होता है ओरिजिनल स्लोप से फिर ऑपसिक्वेंट क्या होता है ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम से तो वो ऑप्सिक्वेंट हो गया इन क्या होता है इसका कोई फिक्सड पैटर्न नहीं होता है तो ये डेंड्राइड पैटर्न आप बोल सकते हो ओरिजिनल स्लोप से इंडिपेंडेंट होता है ये मनमौजी होती है इन सिक्वेंट स्ट्रीम्स सो ये कॉन्सिक्वेंट है स्लोप के अकॉर्डिंग सबसिक्वेंट है कि पहले से स्ट्रीम थी फिर वहाँ पे अब कुछ हो गया और ये स्ट्रीम ने अपना कैरेक्टर मेंटेन किया है सबसिक्वेंट रिसिक्वेंट जो है इसका स्लोप थोड़ा लोअर देन दिस ओरिजिनल स्लोप है ये यूजुअली ट्रिब्यूटरी बनती है ऑपसिक्वेंट मतलब ऑपोजिट कॉन्सिक्वेंट है इन मतलब मनमोजी सो दिस इज रिवर्स रिवर्स का क्लासिफिकेशन अगर टाइप्स ऑफ रिवर्स और देखें तो एक होता है सीजनल दूसरा होता है पैरनील सीजनल मतलब कुछ टाइम पे बहुत पानी आ रहा है रेन फेड है मॉनसून है बाकी टाइम पानी नहीं है इतना नहीं है गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा तापी तो जो कावेरी है ना ये बहुत ब्यूटीफुल रिवर है बिकॉज ये साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी पानी आता है कावेरी में पेरनियल रिवर भी वो होती है जो हमेशा रहती है जैसे इंडस सतलज बिकॉज प्राइमरी इनका जो पानी है वो ग्लेशियर्स से आ रहा है ड्रेनेज पैटर्न अगर बात करें तो एक होता है ट्रेलिस दिस इज़ ट्रेलिस ये ट्रेलिस है रिवर्स जो है वो वैली में ऐसे बह रही है ट्रिब्यूटरीज जो है वो स्लोप में उसको ऐसे आ रही है ये एक कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम है रीजनल स्लोप फॉलो कर रही है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है अपलेचियन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका त्रदाद में इस टाइप के रिवर्स मिलती है सो so, सी एक कॉन्सिक्वेंस स्ट्रीम है और उससे जो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी इसको मिल रही हैं तो ये हुआ ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न डेंड्रेटिक मतलब जैसे पेड़ है पेड़ की तरह ऐसे आड़ा टेढ़ा हो रहा है दैट इज डेंड्रेटिक फॉर्म बाय रिवर डेंड्रेटिक देन रेक्टेंगुलर क्या होता है परपेंडिकुलर जो है जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो परपेंडिकुलर में आके मिल रही है रैक्टेंगुलर ड्रेनेज है जहाँ रॉक्स यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस की नहीं है वहाँ ये मिलता है अप्रोसीमेटली यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस टू और इरोजन है इरोजन जो है वो बराबर बराबर है यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है तो ये मिलता है तो दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज फॉर्म व्हेन स्ट्रीम्स फ्रॉम टू डायरेक्शन ऑफ जॉइनिंग एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल पे होता है ओके सो दिस इज दिस इज रेक्टेंगुलर रेडियल क्या होता है ऐसा हाइट है और सब जगह वो ऐसे बह रहा है दैट इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न स्ट्रीम्स रेडिएट कर रही है बाहर की तरफ इस तरीके से रेडियल पैटर्न सेंट्रीपिटल क्या होता है एक गड्ढा है और सारी स्ट्रीम्स वहां पे आ रही है तो ये सेंट्रीपिटल रेडियल का ऑपोजिट होता है एनुलर क्या होता है ये एक सर्कल की तरह इस तरीके से बह रही है है ना पैटर्न इज़ फाउंड ओवर अ मेच्योर एंड डाइसेक्टेड डोम माउंटेंस में होता है सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक अल्टरनेटिवली है तो स्ट्रीम्स जो है वो एंगल्स जो है मोर देन लेस देन 90 डिग्री सो so, ये होता है एनुअल ड्रेनेज पैटर्न एनुलर ड्रेनेज पैटर्न लाइक दिस बाब्ड ड्रेनेज पैटर्न क्या होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रिवर्स ऐसे मिल रही है तो जैसे बाब्ड वायर होता है फेंसिंग में एक ऐसे फिर एक ऐसे लॉक इन तो वैसा होता है हैरिंग बोन क्या होता है ये रिब पैटर्न की तरह होता है जैसे हमारा रिब स्ट्रक्चर है ना ह्यूमन बोन का जैसे झेलम वगैरह ये हैरिंग बोन ड्रेनेज पैटर्न है पैरालल में दोनों पैरालल में चल रही है यूनिफॉर्म स्लोपिंग मास है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में इस टाइप की रिवर्स मिलती है सीधा वो जाके पैरल समुद्र में मिलती है तो ये कुछ क्विक है वर्ड में जाना है क्या लिखा है उसके हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा ट्रेलिस डेंड्रेटिक रेक्टेंगुलर रेडियल सेंट्रिपिटल एनुलर बाब्ड रहरिंग बोन एंड पैरल ड्रेनेज सिस्टम हिस्ट्री की बात करें तो स्वराज्य पार्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एन खत्म हो गया है अब बात है स्वराज पार्टी की क्या हम काउंसिल में एंट्री करें या नहीं करें तो एक होंगे नॉन चेंजर जो राजगोपालाचारी जी हैं डिफीटेड बाय प्रो चेंजर सी आर दास जी होंगे ये रिज़ाइन करेंगे मोतीलाल नेहरू जी के साथ तो ये सी आर दास जी प्रेसिडेंट बनेंगे सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस और द पॉइंट इज अब बनेगी स्वराज्य पार्टी स्वराज पार्टी चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, नो चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स काउंसिल एंट्री चाहते हैं और एक चाहते हैं काउंसिल एंट्री नहीं हो तो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी प्रो चेंजर थे प्रो चेंजर मतलब दे वांट चेंज कि अब काउंसिल एंट्री होना चाहिए काउंसिल में जाके हम अपोज करेंगे और नियम इनके नहीं मानेंगे डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे टू तो पास द बिल सच टाइप ऑफ पॉलिटिक्स करेंगे तो ये प्रो चेंजर है प्रो चेंजर स्वराजस्थ सी आर दास जी एंड मोतीलाल नेहरू जी तो ये प्रो कांग्रेस होते हैं प्रो 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 चेंजर्स होते हैं स्वराज पार्टी के तो सी आर दास जी प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू जी सेक्रेटरी स्वराजिस्ट को क्लियर मेजॉरिटी मिलती है सेंट्रल प्रोविंस में और ये पहुँच जाते हैं अब सरकार में ये खुद सरकार बन जाते हैं लजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं बट वहाँ इनको मेजॉरिटी नहीं है कोलिशन बनता है नेशनलिस्ट पार्टी के साथ जिसमें जिन्ना एंड अदर लिबरल्स भी होते हैं ऑब्जेक्टिव ये है कि अपना पर्पस आगे बढ़ाओ फुल डोमिनियन लो और गवर्नमेंट को विद इन द गवर्नमेंट रह के ब्लॉकेज करो अचीवमेंट्स क्या होते हैं बहुत सारे नेशनल डिमांड्स पूरे हुए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के रंगाचारी मूव द रिजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग गवर्नर जनरल की रिवाइज करे एक्ट ऑफ 1919 और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे कुछ लिमिटेड सक्सेस यहाँ पे मिला नेहरू जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फेवर किया कि स्कीम्स फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने सेंट्रल लेजिस्लेचर को हम और एक्सपैंड करें और फिर मुद्दिमन कमेटी आती है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मुद्दिमन कमेटी आती है जिसने 1919 में जो डिफेक्ट्स हैं उसको इंक्वायरी किया बिकॉज 1919 का जो एक्ट था चेम्स फोर्ड इसमें डिफेक्ट्स थे प्लस जो सिविल सर्विसेज है उसमें डिफेक्ट्स थे तो आती है ली कमीशन ली कमीशन भी इधर आती है तो इसको हम सक्सेस बोल सकते हैं दिस सक्सेस बोल सकते हैं ऑफ दिस स्वराज पार्टी देन 1925 में विठल भाई पटेल जी लीडिंग स्वराजस्थ होते हैं बट ये स्वराजिस्ट बहुत टाइम तक कंटिन्यू नहीं रहेंगे इलेक्शंस भी इनका बाद में इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं सी आर दास जी नहीं रहते हैं सो द पॉइंट इज़ इसके बाद इसके बाद फाइनली जो रेजिग्नेशन होता है स्वराजिस्ट का नाइनटीन थर्टी आते आते ये स्वराजिस्ट पार्टी इज़ ओवर तो ये एक दौर आता है स्वराज्य पार्टी का देन कुछ नेशनल एक्टिविटीज़ भी होती है यहाँ पे जैसे एक साराबंदी होती है नो टैक्स कैंपेन गुजरात में चलता है ऑल इंडिया खिलाफ़त कमेटी भी होती है ये लॉस्ट रेलिवेंस आफ्टर द अबोलिशन ऑफ खलीफ़ा तो देखो खलीफा टर्की मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1924 खलीफा बना कैलिफेट बना अब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का वैल्यू ख़त्म हो गया क्यों क्योंकि जिस मुद्दे पे लड़ रहे थे कि खलीफा को क्यों हटाया वो ही पर्पज़ ही लॉस हो गया तो इससे एक नई पार्टी बनाने की बात आती है फिर वो बनती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विद जिन्ना एज़ इट्स लीडर इन 1924 फिर हिंदू महासभा भी है ये फाउंड होती है 15 में मदन मोहन मालवीय जी बेलगाम सेशन सभा 1924 में प्रसिडेंटशिप भी थी फिर इसी टाइम पे नॉन ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन साउथ इंडिया में आती है जैसे ऑल इंडिया बॉडी बनती है फिर इसके बाद रामा स्वामी इनके चेयरमैन बनते हैं और यहाँ पर बात आती है कि गवर्नमेंट जॉब्स में टेम्पल एंट्री में यहाँ मास रिप्रेजेंटेशन हो अकाली मूवमेंट होता है सिख सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश आर्मी के या सिख पिजेंट्रीज थी ये यहाँ पे इंटेंसिफाई होता है ब्रिटिश अथॉरिटी इधर फीयर होता है सो so पेसीफाई करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैनेज करती है अफेयर्स ऑफ गुरुद्वारा ये सब चीज़ें अकाली मूवमेंट में होता है फिर नागपुर फ्लैग सत्याग्रह होता है मिड नाइनटीन में बैन ऑर्डर कांग्रेस पे बैन लग जाता है यूज़ ऑफ द कांग्रेस फ्लैग नागपुर फ्लैग सत्याग्रह फिर बोरसद सत्याग्रह होता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में प्रोटेस्ट था कि पोल टैक्स जो लगा रखा है कि एक्चुअली पुलिस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है डकैती से तो आप उधर टैक्स पे करो उसके अगेंस्ट होता है बोरसद सत्याग्रह गुजरात फिर एजावा कांग्रेस लीडर टी के माधवन होता है टैंपल एंट्री है टेम्पल एंट्री फॉर अनटचेबल लेड वाह कॉम सत्याग्रह ट्रावन कोर में टेम्पल एंट्री फिर कम्युनिस्ट पार्टी भी आने लग गई ये सब रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड होते हैं पी सी जोशी नाम काफ़ी बार आया है जनरल सेक्रेटरी बनते है थर्टी फाइव एंड फोटी सेवन तक फिर स्वराजस्थ पार्टी फाइनली नाइनटीन थर्टी होते होते वॉक करती तो इस तरीके से ये जो उन्नीस सौ बीस का दौर है ये कम्प्लीट होता है अब अगले क्लास में उन्नीस सौ तीस में आएंगे मीन वाइल ई रूपी क्या होता है ई e रूपी जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जैसे सोडेक्सो कंपनीज दे देती है ना ये सोडेक्सो मिला है आप इसको कंपनी के आउटलेट में जाके उतने चीज़ उतनी चीज़ों का कोई सामान खरीद लेना तो सिमिलर इज़ ई रूपी ये गवर्नमेंट का सोडेक्सो एन पी सी आई डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये सोडेक्सो दे दो जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं ऐसा ई e रूपी का क्यू आर कोड दे दो वाउचर दे दो और वो वाउचर इंडिया की किसी भी फेयर प्राइस शॉप में आप विड्रॉ रिडीम कर सकते हैं तो दिस इज दैट तो इंडियन रुपी जो है वो यहाँ पे वर्चुअल करेंसी की डिफरेंट है दिस इज़ जस्ट अ वाउचर दिस इज़ जस्ट अ वाउचर ये कोई रुपी नहीं है डिजिटल करेंसी नहीं है दिस इज़ जस्ट अ वाउचर प्रीपेड वाउचर है सौ रुपये का आपको ई रुपी वाउचर मिल गया आपके मोबाइल में क्यू आर स्कैन के थ्रू आ गया उसको आप कहीं भी रिडीम करा सकते हो गवर्नमेंट की शॉप में एस एम एस क्यू आर कोड को तो ये कहलाता है ई e रुपी दिस इज़ नॉट डिजिटल रुपी दिस इज़ जस्ट अ वाउचर फिर आता है भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यू पी आई भीम ये इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने अडॉप्ट किया है इंडिया का यू स्टैंडर्ड क्विक रेस्पॉन्स कोड क्यू कोड जैसे आप वेबसाइट में भी देखते हो क्यू आर स्कैन कर स्कैन करते हो देन यू पे ऑफ फी तो दिस इज़ यू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्यू कोड भीम यू इसका नाम है रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इससे पॉसिबल हुआ है 2016 में आया था ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है एन ये सारे जो पेमेंट है डिजिटल पेमेंट मोस्ट ऑफ द डिजिटल पेमेंट एन के थ्रू ही आता है देन वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना सकते हो अब अपना एक वी पी एन बनाओ वी पी ए बनाओ और उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो बिल पे कर सकते हो फी पे कर सकते हो एट्सट्रा बिल पेमेंट स्कैन एंड पे रिक्वेस्ट मनी मोबाइल नंबर यू पी आई आई डी ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है फिर एक कार्ड टोकनाइजेशन काफ़ी न्यूज़ में है ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं बता रहा हूँ चार यहाँ पर है ऐसे डेली आयल कवर कार्ड टोकनाइजेशन क्या है टोकनाइजेशन मतलब ये होता है जैसे आपने फ्लिपकार्ट में शॉपिंग किया आपका कार्ड पूरा डिटेल वहाँ पे स्टोर्ड है वो आर को लगता है इससे फ्रॉड्स हो सकते हैं तो आर ने कहा कि टोकनाइजेशन हो टोकनाइजेशन से क्या होगा रैंडम नंबर्स होंगे आपके कार्ड डिटेल्स आपको शेयर नहीं करने पड़ेंगे मर्चेंट्स के साथ तो दिस इज़ रियली गुड आपको पॉइंट ऑफ सेल जहाँ है वहाँ पर अपना कार्ड कॉन्टेक्ट कार्ड है वो आप यूज़ करो तो आपका एक्चुअल जो कार्ड है उसका डिटेल शेयर नहीं होगा वो एक टोकन से रेफर हो जाएगा टोकन से सो दिस इज़ कार्ड टोकनाइजेशन फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स भी लेके आई थी हम डिजिटल अडोप्शन कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहा है तो किस तरीके से बढ़ रहा है उसका ये इंडेक्स है जैसे इसका इंडेक्स 207 था 20 में मार्च में 270 हो गया डिजिटल बढ़ा तो ये 2021 में हुआ था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बेस ईयर 2018 है पांच ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं इसके पेमेंट इनेबलर का क्या कंडीशन है जैसे इंटरनेट मोबाइल आधार बैंक अकाउंट पार्टिसिपेंट मर्चेंट्स इनका क्या स्टेटस है इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कस्टमर फास्टैग फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड में बैंक ब्रांच बिजनेस ए टी एम पी ओ एस क्यू आर इंटरमीडियट पेमेंट परफॉर्मेंस में वॉल्यूम क्या है सिस्टम का पेमेंट कितना हुआ यूनिक यूजर्स कैश विदड्रावल कंज्यूमर सेंट्रिसिटी में अवेयरनेस डिक्लाइन कंप्लेन फ्रॉड सिस्टम डाउन टाइम तो नहीं हो रहा है तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कहलाती है ये पूरा एक इंडेक्स बनाती है कि कितना डिजिटल पेमेंट हमारे इकोनॉमी में है तो ये हो गया डी ओके डिजिटल पेमेंट आर पी आई सो ये सारे हैं दीज आर दीज आर न्यूज एंड रिविजन अब हम क्विकली आपके आंसर्स भी देख लेते हैं इसको शॉर्ट बाय न्यूएस्ट करते हैं शॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं एंड दीज आर द सबमिशन एंथनी ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है इसी आंसर राइटिंग में आप सब बहुत परफेक्ट हो गए हो कोई डिफिकल्टी नहीं है आंसर राइटिंग में डिफ़िकल्टी यही होता है एक्चुअली में आंसर लिखना मेहनत करके उस टॉपिक को पढ़ना समराइज़ करना एंड लिखना जैसे राज्यसभा का रोल फंक्शनिंग लिखना था और जी लिखना था तो ये बहुत अच्छे से समराइज़ किया एंथनी ने यहाँ पे बताया फंक्शन राज्यसभा अब जैसे हमने लोकसभा कर लिया राज्यसभा कर लिया कंपैरिजन कर लिया आपका बहुत बड़ा पार्ट कवर हो गया पॉलिटी का रोल क्या है वेरी नाइस सी तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है इसकी आपकी लैंग्वेज वोकेबलरी राइटिंग एवरी बहुत सिस्टमेटिक हो जाती है सो दिस इज़ रियली रियली गुड तो वेरी नाइस रत्ना प्रिया आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो जी एस टी वॉट इज जी एस टी सी जी ऐसे हम बहुत सारे वीडियोस देख ले पढ़ ले पर समझ नहीं आएगा बट जब खुद समझ के लिखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है दिस इज रियली गुड सी जी फेवरेट है जी से सवाल आएगा हर एग्जाम में आएगा चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट सर्विसेज हो ओके सो पावर्स फंक्शन भी यहाँ पे बताए वेरी नाइस nice. अब देखो कितना अच्छा टेबुलेशन है वंडरफुल अदिति बहुत अच्छे से आप वर्क कर रहे हो जी एस के लॉ सेंट्रल जी एस वेरी नाइस डिसएडवाटेजेस बताया आपने देन इधर फैक्टर्स क्या है जी एस टी रिलेटेड चैलेंजेस भी एड्रेस की गुड स्ट्रैटेजी रियली गुड स्ट्रैटेजाइज है देन दिस इज़ प्रियंका दिस इज अगेन्ट सो नाइस रिप्रेजेंटेशन यू टी नॉमिनेटेड अब बस इधर से एक एम सी क्यू बन जाएगा सो so हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं लिख रहे हैं और उसके एम सी क्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिटेस्टिक पॉलिटी ऑलमोस्ट हमारी सारी कंप्लीट हो गई है गुड वेरी गुड सी बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो गया एक्सेलेंट देन सतेंद्र दिस इज़ अगेन सो गुड जीएसटी क्यों है प्रमुख बिंदु क्या है सरलीकरण कर अब सी इसमें चैलेंजेस बहुत आए थे तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि किस तरीके से इसको ईजी बनाए जो ईजी चीज़ होती है उसको फॉलो करना ईजी होता है जो डिफ़िकल्ट होती है वो सक्सेस नहीं हो पाती विशेषताएँ हैं बहुगामी दर्द सी लिखना बहुत ज़रूरी है और आप बहुत अच्छा लिख रहे हो मीन्स आपका बहुत अच्छा होने वाला है आशा दिस इज़ अगेन रियली रियली गुड राज्यसभा आपका पूरा पॉलिटी कवर हो गया है आपने इस तरीके से कवर कर लिया है प्रोसीजर क्या है ड्यूरेशन क्या है रिव्यू रिवेल्यूशन डेलिब्रेट स्पेशल पावर इश्यूज एंड स्टेप्स टू बी टेकन वेरी नाइस जी क्या है डिमांड बेस्ड है बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं जी के गुड शुभम दिस इज़ रियली गुड आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो वेरी सिस्टमेटिक वेरी ऑर्गेनाइज एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग और रिफाइनमेंट क्लियर कट है यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल देन राज्यसभा एक्सेलेंट अब इधर से ही एम आएगा कॉन्फिडेंट रहना है आपका प्रलिम्स भी अच्छे से होगा यहाँ पे ओके कॉन्फिडेंटली हमें चीज़ें को देखना है सतेंद्र दिस इज़ रियली रियली गुड वेरी गुड बहुत अच्छे से हमने राज्यसभा तैयार हो गया तो सी पॉलिटी में और कौन से टॉपिक्स कुछ बच गए हैं तो रिमाइंड मी हम उस पर भी आंसर राइटिंग कर लेंगे बाकी मैं चैप्टर से रिव्यू देख रहा था ऑलमोस्ट हमने सब पढ़ लिया है सो दिस इज़ लक्ष्मीकांत बुक से साक्षी वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई एम सो हैप्पी विद द वे यू आर परफॉर्मिंग रियली रियली गुड ये जो एग्ज़ाम होता है ना ये आधा एग्ज़ाम तो जोश का होता है जोश से हम काम करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाती है ओके सो दिस इज़ रियली रियली गुड वेरी गुड मोटिवेटेड रहना है और एंथुजियाजम एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो एस्पायरेंट्स में होनी चाहिए दिस इज़ रियली गुड प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए प्रोएक्टिवनेस सब अब से ये कितना अच्छा है वेरी नाइस एंथनी दिस इज़ अगेन रियली रियली गुड हमने ये बनाया जी एस टी पे जी एस टी रिलेटेड प्रोविजन बताए जी एस टी बहुत इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकॉनमिक्स ओके दैन दिस इज दिस इज़ नेक्स्ट वन लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट्स बताए गुड आपके एग्जाम्स हैं फाइनल इट्स ऑल राइट एक्स स्कूल कॉलेज एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं राम नरेश दिस इज़ जी एस टी ऑब्जेक्टिव ऑफ जी एस टी सी सो सिस्टमेटिक अब आपने जो भी आंसर्स लिखे हैं ना उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है गुड मीनू दिस इज़ रियली गुड डे फिफ्टी एट ऑसम सी कितने अच्छे से टॉपिक हो गया हम इतना सिस्टमेटिकली कितने सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए गुड टेन अब इन सब कॉपीज़ को जो आपके हैंड रिटन है घुमना एक भी पेज नहीं चाहिए इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है ऑल राइट सो दिस इज़ फिफ्थ ऑफ मे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ